सीएसके की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर। यहां देखें पॉइंट्स टेबल में किस टीम की क्या है स्थिति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2022 के लीग स्टेज में 55 मैच पूरे हो चुके हैं और अब प्लेऑफ की लड़ाई का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है। 8 मई को डबल हेडर यानी दिन के मुकाबले के एक तरफा नतीजों ने पॉइंट्स टेबल की जो तस्वीर बनाई उससे प्लेऑफ की स्थिति साफ होती जा रही है। रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को बड़े अंतर से हराकर चौथा स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत किया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल्स को 91 रनों से भारी भरकम जीत दर्ज की। वहीं अंक तालिका की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स पहले स्थान पर है। लखनऊ ने 11 मैच में 8 मुकाबले जीते हैं। लखनऊ के 16 अंक हैं और +0.703 नेट रन रेट है। गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में दूसरे नंबर पर खिसक गई है। उसने 11 मैचों में 8 जीत दर्ज की है और अब उसके 16 अंक हो गए हैं। गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट +0.120 है। राजस्थान रॉयल्स तीसरे नंबर पर है। राजस्थान ने 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं। राजस्थान का नेट रन रेट +0.326 है। हैदराबाद को हराकर आरसीबी चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आरसीबी के 14 अंक हैं और नेट रन रेट -0.115 है। दिल्ली कैपिटल्स पांचवें स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स के 10 अंक हैं और नेट रन रेट +0.150 है। सनराइजर्स हैदराबाद छठे नंबर पर खिसक गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के 10 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट -0.031 है। पंजाब किंग्स सातवें नंबर पर है। पंजाब किंग्स के 10 अंक हैं और उसका नेट रन रेट -0.231 है। आठवें स्थान पर सीएसके है। 8 अंक के साथ केकेआर 9वें स्थान पर खिसक गई है। 4 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस सबसे निचले पायदान पर है। तो दोस्तों यह रहा अभी तक खेले गए मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल। तो दोस्तों इस जानकारी के संबंध में आप भी अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और आईपीएल के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।